हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमास किचन। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है गोभी का पराठा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो आइए शुरू करते हैं हम इसको बनाना, जो कि बहुत ही आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाता है। और आज हम इसको और आसान बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम ही गोभी का फूल लिया है, जिसको कि आप चाहे तो ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं, पर मैं इसको यहाँ पर करूंगी आज चॉपर से चॉप, जो कि बहुत ही अच्छे से हो जाता है। यहाँ पर जो मैंने गोभी ली थी उसके फूल तोड़ लिए थे। मैंने गोभी के फूल को पहले धोकर रख लिया था, लेकिन सारा पानी निकल चुका है। और अब मैं इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसको चॉपर में डाल दूंगी, ताकि ये अच्छे से क्रश हो जाए। और दो से तीन बार ही मैं इसके चॉपर को चलाऊंगी, और देखिए कितने अच्छे से हमारी जो गोभी है वो रेट हो जाएगी। नीचे तो चोप आती है, पता भी नहीं चलता है कि हमने ग्रेटर से की है या फिर इसको हमने चोपर से इसको चॉप किया है। ये देखिए, मुझे ये इसी तरीके से चाहिए, कहीं कहीं से मोटी, कहीं कहीं से बारीक। मैं एकदम से इसको बारीक नहीं करूँगी। अगर आपको ये बिल्कुल बारीक चाहिए तो आप इसको और अच्छे से चला लीजिए। अब यहाँ पर मैंने एक प्याज ली है, इसको भी हम चोपर में अच्छे से चला लेंगे। हमको पतली मोटी कैसी भी रखनी हो, अपने हाथ में है तो हम चॉपर को उतना ही चलाना जितना कि हमें मोटा और बारीक प्याज चाहिए। अभी गोभी के अंदर मैंने प्याज को भी ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैंने लिए 3 हरी मिर्चें, जिसको कि बारीक बारीक कट करूंगी। और यहाँ पर ही मैंने आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे ग्रेट कर लिया है। इसका काफी अच्छा टेस्ट आता है। ज्यादातर साथ में मैं डालूंगी इसके ऊपर हरा धनिया, काफी अच्छा टेस्ट कलर आता है। आप चाहे तो इसके अंदर कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इसका कलर और टेस्ट दोनों बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर मैंने डाला है एक चम्मच पूरा भर के धनिया पाउडर, और साथ में मैंने लिया है यहाँ पर आधा चम्मच अजवाइन, जिसको कि मैंने अच्छे से दोनों हाथों से रगड़ करके डाला है। सी स्मेल काफ़ी अच्छी हो जाती है। और यहाँ पर मैंने डाला है 1/4 स्पून गरम मसाला, आधा चम्मच मैंने डाला है यहाँ पर सौंफ पाउडर, और 1/4 स्पून ही मैंने डाला है यहाँ पर जीरा पाउडर भुना हुआ। और यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लेंगे नमक, और इसके अंदर मैंने 2 पिंच हींग भी ऐड की है। सभी मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे। और ये हमारी फिलिंग बनकर तैयार है। और चलिए आटो के लिए डो तैयार करते हैं। मैंने ये 1.5 कप आटा लिया है, और इसके अंदर 1/4 स्पून मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाऊंगी और आटे का डो तैयार करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने बिल्कुल रोटी के जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमने आटा लगाकर तैयार करना है। यहाँ पर हमें एकदम से चिकना और सॉफ्ट डो तैयार करना है, तो पानी में थोड़ा थोड़ा ही लूंगी, और जितना जरूरत होगी उतना हम पानी डालते जाएंगे और आटे को गूंथते जाएंगे और इस तरह से इकट्ठा करते जाएंगे आटे को। देखिए आटा जो लगभग हमारा गूंथ चुका है। ये इतना सॉफ्ट आटा हमारा जो है बनकर तैयार हुआ है।
यहाँ पर मैंने पानी का हाथ लगा दिया आटे के ऊपर ताकि वो पड़ा ना, और उसके ऊपर मैंने कपड़े से उसको कवर कर दिया है। तो लगभग 10 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। और देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, मैं यहाँ पर आटा चेक कर रही हूँ। इसको हम अच्छे से मसलते हुए, ये देखिए कितना चिकना हमारा आटे का जो डो है वो उनका तैयार हुआ है, और कितना सॉफ्ट, बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपने आटे के डो को तैयार करना है। तो हमारा आटा तैयार हो चुका है, इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया है एक बाउल में। तो ये शुरू करते हैं। तो जिस तरह से हम रोटी का पेड़ा लेते हैं, बिल्कुल मैंने उसी साइज का पेड़ा यहाँ पर लिया। आप चाहे तो बड़ा जो पेड़ा लिया था उसको सूखे आटे में अच्छे से लपेट करके उसको हमें थोड़ा सा पूरी की शेप तक बेलना है। फिर हल्का सा मैं इसके ऊपर रिफाइंड लगाऊंगी, या जो भी आप कुकिंग ऑयल लेते हैं आप वो लगाइए। जो मैंने यहाँ पर फिलिंग तैयार की थी गोभी की, तो हम इस तरह से आटे में फिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कितने अच्छे से अपनी फिलिंग को जो है अपने आटे की लोई में रखा है, और काफी अच्छी क्वांटिटी मैंने इसको भरा है। हमने यहाँ पर आटे की जो लोई बनाई थी उसमें प्लेटेड कर डालते जाएंगे, हाफ फीलिंग को हाथ से दबाते जाएंगे। तो ये देखिए हमारे जो है इतने अच्छे से फीलिंग भरकर लोई तैयार हो चुकी है यहाँ पर आटे की। पहले मैं इसको हाथों से प्रेस करूंगी ताकि जो भी इसके अंदर एयर है वो बाहर निकल जाए ताकि ये फटे ना। वही देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसको बेलना है, और ये पराठा हमारा फटा नहीं है। आपको लग रहा होगा कि इसमें से आपको फीलिंग नजर आ रही है, तो ये बिल्कुल भी ये फटा नहीं है। इसके अंदर जो मैंने फीलिंग डाली है वो एकदम से नजर आ रही है। उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया तवे पर। और जैसे ही हल्का सिक जाए इसके चारों तरफ मैं यहाँ पर कुकिंग ऑयल डाल दूंगी। और इसको पलटते पलटते हुए दोनों तरफ से हम अच्छे से सेक लेंगे। और ये अब मैंने इसको साइड चेंज कर दी है, अब यहाँ पर भी थोड़ा कुकिंग ऑयल लगाएंगे, और इस तरह से प्रेस करते हुए उसको दबाते हुए मैं उसको सेकूंगी ताकि वो क्रिस्पी और आराम से तैयार हो। अगर आपके पास इस तरह से लकड़ी का सेकू है तो आप इससे भी सेक सकते हैं, बहुत अच्छा इससे पराठा सेक कर तैयार होता है, खस्ता क्रिस्पी करारा। तो सर्दियों में गोभी के पराठे खाने का अपना ही मजा है, और काफी अच्छा और काफी टेस्टी लगता है बनाने में, ये बहुत ही आसान है। देखिए हमारा पराठा कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गया है, दोनों तरफ से काफी अच्छे से कलर आ गया है, और देखने से ही पता चल रहा है कितना खस्ता और क्रिस्पी है तैयार हुआ है। 3 से 4 बार रखते रखते उसको सेक लिया है, पराठा हमारा सीख कर तैयार हो चुका है। मैं उतार लूंगी अब। मैं दूसरे तवे पर आटे की तैयारी करूंगी। जैसे हमने पहले पराठे की लोई को हमने थोड़ा सा बेल करके तैयार किया था, उसके अंदर फिलिंग डाली थी, इसी तरह से हम इसके अंदर भी फिलिंग डालेंगे। और ये देखिए इसमें प्लेट डालते हुए मैंने इसको फिलिंग को अंदर भर लिया अच्छे से, और इस समय इसकी सारी एयर निकाल दी है। अगर हम इसको बिना हाथ से दबाए हुए बेलते हैं तो ये इसको फटने का डर रहता है। इस तरह से मैं दूसरा पराठा सेक लूंगी। देखिए कितने अच्छे से हमारे पराठे बनकर तैयार हो रहे हैं। सर्दियों में तरह तरह के पराठे खाते हैं, जैसे मूली का या फिर बथुए का, इसी तरह से गोभी के पराठे भी आप बनाकर खाइए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको बनाने में, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर गैस के फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, और उसे ऐसे चमची से दबा दबा करके या फिर सेकू से दबा दबा करके अच्छे से हम सेकेंगे ताकि जो उसके अंदर की गोभी है वो भी अच्छे से पक जाए। मैंने यहाँ पर 4 पराठे बनाकर तैयार किए हैं, तो आप भी इस तरीके से बनाइए।
ब्रेकफास्ट में बनाइए, लंच में बनाइए, डिनर बनाइए, जिसमें आपका मन करता है आप सब इनको बनाकर खाइए। और यहाँ पर मैं इसको अचार के साथ में और चटनी के साथ में सर्व कर रही हूँ। दही चाय जिसके साथ भी इसको उसके साथ इसको खाइए। ये कितना अच्छे से पराठा हमारा बनकर तैयार हो, मैं आपको दिखाती हूँ। दही इसकी फीलिंग एकदम पूरे तरीके से भरी हुई है, कोने कोने में इसके पराठे के फैली हुई है। तो इसी तरीके से अगर आप भी बनाएंगे तो ये पराठा तैयार होगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। Thank you.